हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। भाई हम आपको बताना चाहते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। जी हां भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं रानू मंडल को लेकर सुर्खियां बटोर रही खबरें हैं सभी झूठे। जी हां भाइयों, आपको बताना चाहते हैं सबसे बड़ी वायरल खबर आ रही है कि सलमान खान ने रानू मंडल को एक फ्लैट गिफ्ट दिया था जिसकी कीमत थी 55 लाख रुपए। आपको बताना चाहते हैं ये वायरल खबर निकली है झूठी। जी हां भाइयों, रानू मंडल की आवाज ने तो सबको दीवाना बना दिया है। हिमेश रेशमिया तो उनसे इंप्रेस्ड होकर उनको गाने का मौका दिया। वहीं ऐसी खबरें भी सामने आ रही है कि सलमान खान ने रानू से खुश होकर उनको एक तोहफा दिया है। लेकिन आपको बताना चाहते हैं ये सभी वायरल खबरें हैं झूठी। इनकी तहकीकात, इनकी जड़ तक हम आपको पहुंचाएंगे कि क्या है सच्चाई, वो सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो में बने रहे अंत तक हमारे साथ। और जो भाई जुड़ना चाहता है कोने में लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे साथ जुड़ सकता है। सब्सक्राइब बटन दबाते ही बेल आइकन जरूर दबाना ताकि मैं अन्य कोई भी नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा आपके पास। और वीडियो को भाइयों लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलो भाइयों स्टार्ट करते हैं। रानू मंडल रेलवे स्टेशन के कोने में बैठकर गाने वाली एक महिला जो आज सोशल मीडिया पर सेंसेशन बन चुकी है। हर कोई उनके बारे में बात करना चाहता है और दिखाई दे रहा है। लता मंगेशकर का गाना गाती हुई रानू मंडल का एक वीडियो ऐसा वायरल हुआ जो रातों रात उसको स्टार बना गई। वहीं रानू की आवाज का जादू यही नहीं रुका, उन्हें हिमेश रेशमिया जो सिंगर है उन्होंने बॉलीवुड में उनको डेब्यू करने का मौका दे दिया। रानू को हिमेश ने अपनी फिल्म में एक नहीं बल्कि 2 गाने गाने का मौका दे दिया है और वो उनके लिए 2 गाने गा चुकी है अब तक। इन सबके बीच रानू को लेकर कई खबरें वायरल हो रही हैं। इन खबरों में एक सलमान खान से जुड़ी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि सलमान ने रानू मंडल को 55 लाख रुपए का फ्लैट गिफ्ट दिया है। जबकि आपको बताना चाहते हैं सुनने में आया था कि बॉलीवुड के दबंग यानी सलमान खान रानू से इतने इंप्रेस हो गए कि उनको रानू को कीमती फ्लैट देकर गिफ्ट कर डाला। हालांकि इन खबरों का कोई आधार नहीं था। सलमान और रानू मंडल के कनेक्शन वाली खबरें सभी खूब चली, लेकिन हाल ही में आई मीडिया रिपोर्ट्स के दावा क्या है, सलमान खान द्वारा रानू मंडल को फ्लैट गिफ्ट करने वाली खबरें झूठी है। जी हां भाइयों, यानी सलमान ने रानू को कोई गिफ्ट नहीं दिया है, ये सभी वायरल खबर झूठ निकली है। रानू मंडल के बारे में कुछ ऐसी खबरें हम आपको बताना चाहते हैं। इसके अलावा ऐसी खबरें भी आ रही है कि रानू ने 15 लाख की कार खरीदी है। वहीं रानू को बिग बॉस का ऑफर मिलने की भी खबरें सुनने को मिली है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार ये सभी खबरें झूठी बताई जा रही है। यहाँ तक कि उनकी फीस से जुड़ी कई खबरें भी झूठी है। हालांकि रानू का करीबी लोगों का कहना है कि सिंगर हिमेश रेशमिया ने रानू की बहुत मदद की है, लेकिन जो भी मीडिया में वायरल खबरें हो रही है कि उन्होंने ऑडी खरीद ली, उनको सलमान खान ने गिफ्ट दिया है, ये सभी वायरल खबर झूठी है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार। अब हम आपको बताना चाहते हैं कैसे पलटी थी रानू मंडल की किस्मत। बात करें तो रानू की, तो 10 साल तक गरीबी के अंधेरे में जिंदगी गुजारने वाले रानू आज बड़ी स्टार बन चुकी है। उन्हें सफलता रातों रात भले ही मिली हो, लेकिन अपने बल पर मिली है। भीख मांगकर पेट पालने वाली लाचार रानू की ताकत उनका टैलेंट बना। उन्हें देखकर खुद हिमेश रेशमिया ये मानते हैं कि रानू मंडल को अब सुपरस्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने आपको बताना चाहते हैं उनसे 2 गाने अभी तक गवा चुके हैं वो, एक आदत और एक तेरी मेरी कहानी, जो कि दोनों गाने सोशल मीडिया पर जबरदस्त हिट हो चुके हैं अब तक। जी भाइयों, हम आपको इनकी वीडियो का थोड़ा सा नजारा भी दिखाना चाहते हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है, सपने सभी संजोते हैं, सपने देखना मत छोड़ो, सपने सच होते। आपको बताना चाहते हैं आने वाली 6 या 7 फिल्मों में उनको ऑफर तो मिल चुके हैं। आने वाली 6 से 7 फिल्मों में आप रानू मंडल काम करती हुई दिखाई देंगी। आप उनका गाना 6 से 7 नई फिल्मों में सुनने को आपको मौका मिलेगा। तो भाई ये थी इस वक्त की वायरल खबर जो लिखनी है झूठी, सलमान खान ने उनको कोई गिफ्ट नहीं दिया है। तो भाई अगर आप भी इस तरह की खबर हमारे द्वारा पाना चाहते हो या फिर आपका कोई भी कमेंट हो इससे रिलेटेड, तो नीचे कमेंट बॉक्स में तुरंत करके हमें जरूर बताएं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो कोने में लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब बटन दबाते ही बेल आइकन जरूर दबाना ताकि मैं अन्य कोई भी नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा आपके पास। तो वीडियो में आज इतना ही भाई। जय हिंद, जय भारत।